नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल में। पर उससे पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाएं। तो आज हम बनाने वाले हैं पनीर का पराठा। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है गेहूं का आटा। आपके घर में जितने सदस्य हैं उसके हिसाब से आप आटा ले लीजिए पानी आटा लगाने के लिए। और यह है पनीर जिसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच चाट मसाला, हरा धनिया और हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, हींग आधा चम्मच, आधा चम्मच आमचूर पाउडर, नमक और लाल मिर्ची पाउडर। तो सबसे पहले आटा लगाते हैं। आटे में हम डालेंगे नमक, आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डालिए और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लीजिए। मुझे आटा लगाने में 4 से 5 मिनट लग गए हैं और आटा एकदम सॉफ्ट बन गया है। अब इसको एक साइड में ढककर रख देंगे और तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। पनीर को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है और अब इसमें डालेंगे नमक, लाल मिर्ची पाउडर आधा चम्मच, थोड़ी सी हींग आधा चम्मच, आमचूर पाउडर आधा चम्मच, चाट मसाला और बारीक कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्ची डाल देंगे। आप मिर्ची जैसी खाओ उसके अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हो। अगर बच्चों के लिए बना रहे हो तो मिर्ची आप कम भी रख सकते हो। अब इन सबको मिला लेंगे। तो स्टफिंग तैयार हो गई है, चलिए पराठा बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने जितनी एक लोई ले ली है, जितनी हम रोटी के लिए लेते हैं उसे थोड़ी बड़ी, और इसको थोड़ा सा सूखे आटे से कवर कर लेंगे। और मैंने गैस पे तवा पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया है। इसको थोड़ा सा बेल लेंगे इस तरह से, और अब इस पे रखेंगे हम स्टफिंग जो हमने पनीर की स्टफिंग बना के रखी हुई है। आप जितना चाहो उतना भर सकते हो, मैं इसमें 2 चम्मच स्टफिंग ले रही हूँ। पनीर के पराठे काफी टेस्टी लगते हैं खाने में और सर्दियां भी शुरू हो गई हैं, इसलिए आप डेली बना के खाइए और अपनी फैमिली को भी बना के खिलाइए। और इस तरह से हम बंद कर देंगे लोहे को, और जो ऊपर वाला पॉइंट है एक्स्ट्रा आटा है उसको निकाल देंगे और बाकी के आटे में मिला देंगे। नेक्स्ट पराठे में हम उसको ले सकते हैं। और हल्के हाथ से इसको प्रेस कर देंगे और फिर से एक बार सूखा आटा लगाएंगे और बेलन की हेल्प से हल्के हाथ से प्रेस करते हुए इसको बेल लेंगे। तो लीजिए पराठा हमने बेल लिया है, अब इसको हम तवे पर डाल देंगे। एक साइड से जब ये हल्का सिक जाएगा तो इसको हम पलट देंगे। लीजिए ये एक साइड से हल्का पक गया है, अब इस पर लगाएंगे हम देसी घी। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हो, लेकिन देसी घी के पराठे काफी टेस्टी लगते हैं। तो अच्छे से देसी घी लगा दीजिए। अब हम दूसरी साइड से इसको पलट देंगे और दूसरी साइड भी देसी घी लगा देंगे। और आंच को आप मध्यम आंच रखें और या फिर धीमी आंच पे पकाएं, तभी हमारा पराठा एकदम क्रिस्पी बनेगा और अंदर से एकदम सॉफ्ट। तो पराठा गोल्डन ब्राउन हो गया है, बाहर से क्रिस्पी है और अंदर से एकदम सॉफ्ट है। तो दूसरा पराठा भी आ गया है, इसी प्रोसेस से हम दूसरा पराठा भी तैयार कर लेंगे। तो 2 पराठे बन करके तैयार हो गए हैं, पनीर से एकदम लबालब भरे हुए हैं। आप इनको जैसे चाहें ऐसे सर्व कीजिए। मैं इनको थोड़ी सी कट करके सर्व करने वाली हूँ और इनके ऊपर बटर जरूर लगाएं, बटर से पराठों में बहुत ज्यादा स्वाद आता है। आप इन्हें चाय के साथ खाइए, दही के साथ खाइए, जैसे आपको खाना है ऐसे खाइए। देखिए कितने अच्छे पराठे बने हैं। और सर्दियों में अपना ख्याल रखिए, गर्मा गर्म पराठे खाइए। आपको पनीर के पराठे की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय और गर्मा गर्म खाइए, गर्मा गर्म खिलाइए। टिल देन बाय बाय।